पश्चिम बंगाल का तारापीठ मंदिर 13वीं सदी का यह एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ रोजाना करीब 12,000 श्रद्धालु आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग रंग बिरंगे फूल चढ़ाते हैं तो यह मात्रा काफी अधिक होती है। लेकिन चढ़ाए गए इन फूलों का आखिर क्या होता है? कई मंदिरों में पूजा के बाद फूलों को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है और यह एक प्रदूषण की वजह बनता है। तारापीठ मंदिर में भी कभी फूलों का यही हाल होता था। इन्हें पास के द्वारका नदी में प्रवाहित किया जाता था, लेकिन अब समाधान मिल गया है। समाधान खोजा है एक गैर सरकारी संस्था मल्लारपुर नैसुबा ट्रस्ट ने। मंदिर समिति के साथ साझेदारी कर यह संस्था फूलों को इकट्ठा कर इसे खाद में बदल रही है। इस तरह यह फूल नदियों तक नहीं पहुंचते। फूलों से प्रदूषण की समस्या का क्या यह कारगर समाधान है? আমাদের প্রথমেই আমরা মা তারার মন্দিরে আমাদের ওই যখন 12টার পরে পুজো দেওয়ার পরে ওই ফুল বেলপাতাগুলো ওখানে ওই একটা ভ্যাট আছে মায়ের মন্দিরের একদম ওটা, সেখান থেকে আমাদের একটা গাড়ি যায়। গাড়ি গিয়ে আমরা ওগুলোকে আগে প্রথমে তুলে আনি। তুলে আনার পরে ওটা আমরা আমাদের যে প্রোডাকশন ইউনিট আছে গোয়ালা গ্রামে সেখানে আমরা নিয়ে আসি। এগুলো আপনার বিভিন্ন ধরনের ফুল বেলপাতা ছাড়াও আলতার, তারপরে সুতো, মায়ের শাখা, সিন্দুর, ওর মধ্যেই ওগুলোকে বাছা হয়, সেগ্রিগেট করা হয়। আখির ফুল সে খাদ বনতা কেসে হ্যায়? সদন সিনহা এসে সমঝাতে হ্যায়, ফুলো কি ছটাই কে বাদ ফুলো কো আটে অর গুড় মে ভিগো কর 35 দিনো তক সড়নে কে লিয়ে ছোড় দিয়া জাতা হ্যায়। फिर अगले 30 दिन तक मिश्रण को गाय के गोबर और केचुओं से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया से वर्मी कंपोस्ट बनता है जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यह जैविक है और मिट्टी को बेहतर बनाता है। जैविक सार जेटा प्राकृतिक उपाय तैयारी से अवस्था यदि रासायनिक सार देखते जाए तो रासायनिक सारे माटिर उर्वरता कमे जाए बेशी परिमाण पड़े गेले हयतो गाछटाओ मारा जेते पारे। আর এইটাকে তখন যে যেমন চায় একবারে পিওরলি চায়ের দানার মতন সেটা যে যেমন একবারে ডাইরেক্ট আমরা ওখান থেকে সে 1 কেজিও নিতে পারে, 10 কেজিও নিতে পারে, আমরা এইভাবে দিই। এটা আমাদের নাবার্ডের অধীনে মল্লারপুর নৈশভা প্রডিউসার কোম্পানি বলে আমরা একটা ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন করেছি। এগুলোকে চাষিদেরকে দিই এবং বাড়িতে যাদের গার্ডেন আছে যাতে অর্গ্যানিক ভেজিটেবল তারা তৈরি করতে পারে। मंदिर से निकला फूलों के अलावा लगभग 40% फूल बाजार में बिना बिके रह जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। साल 2023 में पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मॉडल विकसित किया। इन फूलों का उपयोग कपड़ा उद्योग में पाउडर और डाई बनाने में किया जाता है। Keeping in mind those problems, we have tried to utilize those flowers. Recycling of the those waste flowers, and initially we have tried it on garments, particularly for children and older people. We got some success, but ultimately we switched over to making gulal. हालांकि देश भर में ऐसी कई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा की कमी, फंडिंग की कमी, विशेषज्ञता का अभाव इसमें बाधा है। दत्ता को उम्मीद है कि उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक पूंजी और मार्केटिंग में सहायता मिलेगी। उन्होंने फूलों से बनने वाली वस्तुओं में विविधता लाने की सलाह भी दी। So for that we have tried it on garments. We have prepared gulal out of it. We have prepared colored candle. So we have tried many things. If the people accept that, I think this will give us a solution.